सॉफ्ट देखिए कितने हैं, ये देखें इतने जूसी कबाब हैं जी। प्योर देसी घी है, जैसे कि जो मार्केट में मिलता है 600-700 रुपए किलो पर केजी वाला देसी घी होता है। अगर कोई जो इसको कहता है कि ये खराब है या इसमें मिलावट है, उसको हम देंगे 5100 रुपए का इनाम। आज आई हुई हूँ मैं कसाबपुरा बड़ा मैदान, और यहाँ पर एक बड़ी ही यूनिक चीज स्टार्ट की है भाई ने। ये बनाते हैं चपली कबाब। चपली कबाब आपने सभी ने खाए होंगे, लेकिन इनका यूनिक क्या है, ये बनाते हैं देसी घी में चपली कबाब। तो अभी भाई से बात करते हैं कि किस तरह के कबाब होते हैं इनके, और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं इनके कबाब एंजॉय करने के लिए। तो ऐसा क्या डाल रहे हैं कबाब के अंदर जो इतनी दूर दूर से लोग आते हैं? ये क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वासिफ है। वासिफ भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कबाब में ऐसा क्या डाल रहे हैं जो बड़ी लोग बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं आपके कबाब खाने के लिए? मैं कुछ नहीं डालते, एक ये प्यार मोहब्बत वाली बात है, लोग सपोर्ट करते हैं। और सबसे पहली बात, हमारा जो मीट होता है ना, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। उसकी लाइव वीडियो हम इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं। कोई ऐसा होटल वाला नहीं है जो अपनी लाइव वीडियो डालता है। तो आदमी दिखाता कुछ है, खिलाता कुछ है, जो जैसे कि खाना हम घर में पसंद करते हैं वही खाना हम लोगों को खिलाते हैं। तो यहाँ पर फेमस है ये, सिर्फ इसलिए फेमस है कि आप देसी घी में चपली कबाब बना रहे हैं? क्या देसी घी में ही बना रहे हैं? जी प्योर देसी घी है, जैसे कि जो मार्केट में मिलता है 600-700 रुपए किलो पर केजी वाला देसी घी होता है। अगर कोई जो इसको कहता है कि ये खराब है या इसमें मिलावट है, उसको हम देंगे 5100 रुपए का इनाम। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता, लेकिन वो 2500 के अपनी भी जेब भी निकल ले। सोच समझ कर आप यहाँ पर पंगा लीजिएगा। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये नकली है, तो आपको 2500 रुपए देकर भी जाने पड़ सकते हैं, और नहीं किया तो फिर आप 5100 रुपए लेकर जा सकते हैं। सर आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद उमर कुरैशी। तो मैं आपको बता दूं, भाई भाई हैं दोनों, माशाल्लाह अच्छी बात है। आज के टाइम में बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि फैमिली मिलकर किसी काम को संभाले हुए है। तो सर एक बारी आप अपनी टाइमिंग और एड्रेस और बताइए। जी हमारी टाइमिंग है मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज पढ़ के आओ, अल्लाह से दुआ करके हमारे लिए भी अपने लिए भी, मगरिब के बाद आओ, रात के 12 बजे तक हमारा काम होता है, ठीक है भाई। अब ये है कि भाई माशाल्लाह उस टाइम तक हमारा टाइम मिलता नहीं। सर एड्रेस और बताइए। एड्रेस हमारा जो पड़ता है ये बड़ी मस्जिद है, नियर बड़ी मस्जिद, बड़ा मैदान, कुरेश नगर, कसाबपुरा। और हमारा लैंडमार्क जो मेन पड़ता है शाही ईदगाह है, वो हमारा लैंडमार्क है। वहाँ आगे एंटर करते ही आप कसाबपुरे में किसी पूछो देसी की चपली कबाब वालों के यहाँ जाना, कोई भी आपको बता देगा। तो देखिए आपने कबाब बहुत खाए होंगे नो डाउट, लेकिन अगर आप कभी भी यहाँ पर आ रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं, कभी भी आपको दिल्ली आना हो रहा है, तो एक बार यहाँ पर जरूर आए और देसी की वाले चपली कबाब जरूर ट्राई करें। और ये देख लीजिए, ये है कसाबपुरा का बड़ा मैदान, और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। और बिल्कुल मेरे सामने हो चपली कबाब की शॉप जो आपको सामने नजर आ रही है, और इस तरह से देखिए, इस तरह से भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पर। देखिए कुछ टाइम भी हुआ है अभी इसको ओपन हुए, 2 से 2.5 महीना हुआ है, लेकिन पहले यहाँ पर सिटिंग एरिया नहीं था, जो कि लोग फैमिली के साथ भी नहीं आ पाते थे। अभी इन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया है कि बहुत अच्छा से इन्होंने एक बड़ा क्यूट सा एक सिटिंग एरिया बनाया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है यहाँ का सिटिंग एरिया, अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ के कबाब बहुत सारी चीज़ें वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में कि अभी फिलहाल क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फुली एसी है ये, तो खैर अभी मेरे सामने कुछ भाई बैठकर कबाब इंजॉय कर रहे हैं, चपली कबाब इंजॉय कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए और कैसे लगे इनको कबाब। भाई क्या नाम है आपका? मेरा सोनू नाम है। मैम सोनू भाई कहाँ से आए आप? हम पास में मोरी गेट से आए हैं। मोरी गेट से आए हैं, कैसे लगे आपको यहाँ के कबाब? इनके कबाब बहुत अच्छे हैं, देसी के कबाब है, फुल अच्छे एकदम। महीने में एक दो बार जरूर आते हैं लोग खाने। महीने में एक दो बार आ जाते हैं। और आज से पहले कभी आपने चपली कबाब देसी घी के खाए हैं? ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिला हमको, ऐसा टेस्ट नहीं मिला। चलिए इनसे पूछो। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम साद है। शाद भाई कहाँ से आए आप? साथ में? आपको कैसे लगे कबाब? मेरे को तो बहुत मजेदार लगे, एकदम जूसी कबाब है, प्योर देसी घी, प्योर देसी घी के। और मैं आपको बता दूं, आप एक बार यहाँ पर जरूर आइए, और अगर आपको यहाँ के देसी घी में कोई मिलावट दिखती है और आप उस चीज को क्लियर करते हैं, तो आपको 5100 रुपए का इनाम मिलेगा। आप 5100 रुपए के हकदार होंगे। कबाब के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, चपली कबाब के साथ साथ ये भी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी अभी इनसे पूछते हैं। सर कबाब के साथ साथ अभी अपने पास क्या क्या होता है? कबाब के साथ साथ हमारे पास और भी होता है, बर्गर होता है, रोल होता है, चिकन रोल होता है, चिकन सीख कबाब होते हैं, तंदूरी होता है, अफगानी होता है, टिक्का होता है, ये सब चीजें हमारे पास। सबसे ज्यादा अभी रनिंग में क्या है? सबसे ज्यादा रनिंग में तो हमारा चपली कबाब ही चल रहा है। चपली कबाब। और जो बर्गर बनाते हैं आप, ये चपली कबाब का ही होता है, चिकन का होता है? चपली कबाब का ही बर्गर होता है। और चपली कबाब होता है अपना बफ का, बेसिकली बफ का बर्गर होता है। चलिए सर क्या प्राइस होता है अपना?
कबाब का प्राइस आपको मिलेगा 30 रुपये में कबाब मिल जाएगा। बर्गर है 50 का भी, 60 का भी, 80 का भी। जो 80 वाला बर्गर है ना वो हमारा सबसे बेस्ट है। तो चलिए अभी हम भी कुछ ट्राई करके देखते हैं और उसका जायका आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। होता है कि लोग बफ नहीं खाना पसंद करते हैं तो उनको डिसिप्लिन होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई ऐसे फ्रेंड आ रहे हैं कि आपका मन है बफ खाने का, बफ चपली कबाब खाने का, और आपके फ्रेंड का मन है चिकन खाने का, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है उनके पास। ये देखिए इस तरह के कबाब भी होते हैं यहाँ पर, चिकन कबाब। तो सर चिकन कबाब के साथ साथ क्या होता है जी इसमें? हमारा है ना चिकन सीख कबाब रोल भी होता है, और चिकन विद ग्रेवी कबाब भी होते हैं, और ड्राई कबाब भी होते हैं। जो भी लोग जो जैसा पसंद करते हैं वैसा दे देते हैं हम, और अल्लाह तुम्हारा वाला करे। ये जो होता है हमारा फ्रेश कीमा होता है, सारे जो होता है हमारा फ्रेश का माल होता है। ये मैं दिखा देती हूँ आपको, कोई फ्रोजन नहीं है, कोई फ्रोजन कीमा होता नहीं, हमारा खुद का बनाया हुआ होता है। और यकीन करके मानना एक बार ट्राई करो, विजिट करो, इंशाल्लाह आप अफसोस करोगे कि हम इनकी दुकान पे पहले क्यों नहीं आए। पहले चिकन कबाब ऐसा बिकता है माशाल्लाह आपकी दुआ से, और जगह भी लोग चिकन कबाब बेचते हैं, सब जगह हमने भी ट्राई करे हैं, लेकिन एक बार आके हमारी दुकान पे जरूर विजिट करें, एक बार ट्राई करें, और इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। सूरी साहब खाने वाले को खुशी होगी, ना खाने वाले को अफसोस होगा। चलिए अभी मैं आपको इनके चिकन कबाब भी ट्राई करके बताती हूँ। तो देखिए आ चुका है अपना ऑर्डर। ये है वो चपली कबाब जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं इसको खाने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए। और मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि यहाँ पर आऊँ और इनके कबाब ट्राई करूँ। तो खैर मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको सबसे पहले पता चल गया होगा कि ये बफ के कबाब हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ कि बफ के कबाब हैं। और देखिए ओहो सॉफ्ट देखिए कितने हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने चपली कबाब नहीं खाए हैं या फिर आपने कभी चपली कबाब नहीं खाए हैं, लेकिन इस बात की मेरी गारंटी है इतने सॉफ्ट कबाब और इतने जूसी। ये देखें इतने जूसी कबाब और चपली कबाब जो कि घी में फ्राई किए हुए हैं उसके बाद भी ये इतने जूसी हैं। तो सबसे पहले जो मैं देखना चाहूँगी, ये देखना चाहूँगी कि इनका घी किस तरह का है जिसके लिए इतना बड़ा क्लेम किया है इन्होंने। तो खैर पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं बिना चटनी के, बिना सैलेड के। देखिए फिर से मैं यही बात रिपीट करूंगी कि मैंने भी बहुत चपली कबाब खाए हैं और आपने भी कबाब खाए हैं, और इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप यहाँ पर आकर चपली कबाब खाते हैं तो आपके बेस्ट चपली कबाब होने वाले हैं। वाकई सुना बहुत था यहाँ के बारे में, लेकिन आज खाकर मज़ा आ गया। अब लेते हैं इसको चटनी के साथ। तो अभी मैं इसको ट्राई करती हूँ रोटी के साथ, और फिर से मैं आपको बता दूं कि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बाहर कहीं भी रहते हैं, और आप अगर खाने के शौकीन हैं तो मेरे कहने से ये कबाब जरूर ट्राई कीजिए। और आपको पता है कि मैं आपको वही चीज़ रिकमेंड करती हूँ जो मुझे खुद को बहुत अच्छी लगती है, और वाकई ये मेरे पहले ऐसे चपली कबाब हैं जो मुझे बहुत ही शानदार लगे। जिंदाबाद। और अगर मैंने जिंदाबाद बोल दिया तो उसका मतलब आपको पता ही है। तो खैर अभी इनका बर्गर ट्राई करते हैं। ये देखें तंदूरी मेयोनी होती है इसके अंदर, जो एक चपली कबाब है वही पेटी होती है। अभी इसको ट्राई करते हैं। ओह बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं है, सिर्फ प्याज, मेयोनी, तंदूरी मेयोनी, और अपना ये देसी घी वाली बफ पेटी। देसी घी की वजह से इसका जो जायका है वो इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है देसी घी का कि अगर आप इसको एक बार अगर आपने ट्राई कर लिया तो इंशाल्लाह आप रुक नहीं पाएंगे, बार बार यहाँ पर आएंगे। बात की जाए अगर इसकी दोनों की टेस्ट की तो आप अगर यहाँ पर आएँ ठीक है, आप बर्गर भी खाएँ, लेकिन मेरे कहने से आप चपली कबाब ज़रूर खाएँ। बेशक चपली कबाब इसी के अंदर है, जो पेटी है वो चपली कबाब की ही है, बट जो सबसे अच्छा फ्लेवर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है वो इसी के अंदर है। और देखिए ये भाई हैं, ये जो कबाब देख रहे हैं आप, इसकी पूरी मेकिंग रेसिपी ऑलमोस्ट इन्हीं की है। सर क्या नाम है आपका? ओसामा। ओसामा बिन लादेन तो नहीं है? चलिए ठीक है, ओसामा नाम है। ओसामा भाई अभी आपके कबाब जरूर ट्राई करके देखते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं क्या टेस्ट है इनका। तो देखिए एक चीज़, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर चिकन कबाब मैं खा रही हूँ और अगर वो हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, तो मेरे लिए वो बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका। दूसरी चीज़, कबाब
प्योर होने चाहिए। उसके ऊपर अगर हमने मक्खन डाल दिया या क्रीम डाल दी है तो जो जेन्युइन कबाब का टेस्ट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, आपको सिर्फ उसमें क्रीम या मक्खन का ही टेस्ट आता है। तो देखिए सबसे पहले मैं कबाबों को तोड़ के दिखाती हूँ। ओ ये देखें एकदम सॉफ्ट कबाब है, तो खाते हैं सबसे पहले इसको बिना चटनी के। ऐसा क्या डालते हैं आप अपने आइटम में जो ये सारी चीजें इतनी सॉफ्ट है, मुंह में जाकर मेल्ट होने वाली, बहुत ही शानदार चीज है। खैर अभी इसको ट्राई करते हैं चटनी के साथ। ओ अब आप भी यहाँ पर आकर मेरी तरह कंफ्यूज होने वाले हैं कि आप चिकन कबाब खाएं या चपली कबाब खाएं। बाकी अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो मैं बोलूँगी कि आप कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ें जो ना खाएं, बर्गर भी खाएं, चपली कबाब भी खाएं और चिकन कबाब भी खाएं। चपली कबाब की भी मैं आपको गारंटी देती हूँ और चिकन कबाब की भी, ना तो आपने ऐसे कहीं चपली कबाब खाए होंगे और ना ही ऐसे चिकन कबाब खाए होंगे, क्योंकि चिकन कबाब 99% जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें हमेशा हार्ड हो जाते हैं, बाकी हार्ड नहीं है, बहुत ही शानदार है। तो खैर अभी फ़िलहाल मैं अपना ये खाना एंजॉय करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे तो मैं आपसे शायद बताना भूल गई। देखिए 30 रुपये का इसका प्राइस है और देसी घी में इसको बनाया जाता है। बाकी इसके अंदर किसी भी तरह की देखिए कोई मिलावट नहीं है, कोई दाल यूज़ नहीं की गई है इसके अंदर, कोई बेसक कुछ भी नहीं, प्योर मीट है, प्योर गोश्त है, सिर्फ हरी मिर्च और प्याज आपको इसमें नज़र आएंगे, इसके अलावा जूम करके नहीं, इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये देखिए तो मेरी तरफ से तो दिल्ली के नंबर वन चपली कबाब जिंदाबाद। तो देखिए जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत ही शानदार चपली कबाब है, तो एक चीज़ और मैं आपसे बताती हूँ कि इससे बेस्ट चपली कबाब आपको पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इतने ज़्यादा चपली कबाब मैंने यहाँ पर खा लिए कि अब मुझे यहाँ पर काम भी करना पड़ रहा है इनका। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मजाक कर रही हूँ, बाकी सीरियसली इससे बेस्ट चपली कबाब अगर आपको पूरी दिल्ली में कहीं भी मिल जाए इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो खैर प्राइस आपको स्क्रीन पे नज़र आ गए होंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी सारी चीज़ें, इनका एड्रेस डाल दूंगी। आपको यहाँ पर ज़रूर आना है और इनके चपली कबाब ज़रूर ट्राई करने हैं। तो खैर इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक हमें ख्याल रखिए, जिंदाबाद। और क्या अस्सलाम वालेकुम चौधरी, सब लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह।